एक ओर मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ग्वालियर की सड़कों पर भैंस घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, उनका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सड़क पर भैंस की रस्सी पकड़कर उसे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग इस वीडियो को प्रदेश में ऊर्जा संकट से जोड़कर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं। ये वीडियो बीती रात का बताया जा रहा है। जिले में सोशल मीडिया पर 40 सेकंड का वीडियो मंगलवार की सुबह से ही जमकर वायरल हो रहा है। इसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक भैंस की रस्सी अपने हाथ में थामे हुए हैं और सड़क पर अंधेरे में ट्रैफिक को हटाते हुए जा रहे हैं। उनकी सेवा में तैनात रहने वाले पुलिस बल उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सड़क पर निकलते समय ऊर्जा मंत्री हंसी मजाक भी कर रहे हैं। इसके पहले भी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अनोखे अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर चर्चित रह चुके हैं। कई बार वह सीवर में उतर के सफाई करने लगते हैं, बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जमीन पर बैठकर लोगों की शिकायतें सुनने लगते हैं। वे हमेशा ही सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। ये वाली गली है क्या? टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।